जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यादव सरकार में। आज हम अहीर रेजिमेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता होगा, आने वाली 26 फरवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अहीर रेजिमेंट के लिए एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। पहले तो सभी भाई कमेंट करके बताएं कौन कौन आ रहा है। इसी को लेकर अहीर रेजिमेंट टीम अहीर रेजिमेंट जन जागृति अभियान यात्रा की तैयारी को लेकर गांव व शहरों में बैठक आयोजित कर रहे हैं और सभी को 26 फरवरी को होने वाली जनसभा के लिए बताया जा रहा है। 26 फरवरी के लिए टीम काम कर रही है। सभी वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी यादव भाइयों के पास 26 फरवरी जनसभा की जानकारी पहुँचे। आप लोगों को बताएं कि 26 फरवरी को जो यात्रा निकलने जा रही है उसकी क्या रूपरेखा रहने वाली है। और मैं हाथ जोड़कर, मेरा कोई भी इसमें स्वार्थ नहीं है, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से कहने जा रहा हूं, प्लीज आइएगा। मैं भी अकेला लड़का हूं अपने माँ बाप का, मैंने भी अपना सारा समय लगा दिया, मेरे माँ बाप भी मेरी शक्ल देखने को तरस जाते हैं। जय श्री कृष्णा। 19 फरवरी को अहीर रेजिमेंट की मुहिम को लेके 8 दिन की एक बाइक रैली, वाहन रैली स्टार्ट हो रही है आपके ग्वालियर शहर से, जो आपके भिंड, दतिया, करेरा, पिछोर, खनिया थाना, मुगावली, अशोकनगर, सिरोंज होते हुए भोपाल 25 तारीख के रात को लाल घाटी पहुंचेगी। उसी बीच में 26 फरवरी को एक मुख्य कार्यक्रम जो भोपाल के अंदर है, जिसमें यादव समाज पूरे प्रदेश से इकट्ठा हो रहा है आपके भोपाल शहर में। अब आपकी प्राथमिकता जो भोपाल से है उनकी ज्यादा बढ़ जाती है, आपके शहर में बाहर से लोग आ रहे हैं। इस यात्रा में मुख्यतः जो भारतीय सेना का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है परमवीर चक्र, वो हमारे समाज की गौरव योगेंद्र सिंह जी यादव को मिला है। मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्हें वो मिला है। 17 अक्टूबर गोली कारगिल युद्ध में लगी है, वो इस यात्रा में 8 दिन तक लगातार साथ रहेंगे। अब देश के गौरव हमारे हक अधिकार के लिए सड़कों पर है, तो हम समाज के लोगों कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने एक दिन समाज के लिए पर घर बार छोड़कर समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे। स्वाभिमान को भुला कर जिया तो क्या जिया, स्वाभिमान को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो अपनी काबिलियत दिखा और समाज के लिए संघर्ष कर, बिना संघर्ष करे कुछ नहीं मिलेगा। अब समाज के लिए आपके साथ आना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में अहीर रेजिमेंट की मांग किस कदर जोर पकड़ रही है, उसका एक उदाहरण ये दीवारों पर लिखे गए नारे। यादव भाइयों द्वारा अहीर रेजिमेंट के लिए गांव-गांव जागरूक किया जा रहा है। 26 फरवरी चलो भोपाल। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। साल 2023 में हजारों अहीर रेजिमेंट के बोर्ड लगेंगे। इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए नारनौल के गांव दोलाहेड़ा में सभी समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर अपने गांव के दो मुख्य द्वारों पर अहीर रेजिमेंट बोर्ड लगाए। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। दिल खुश हो जाता है जब शादी के कार्ड पर अहीर रेजिमेंट लोगो लगा रहता है। ये शादी का कार्ड हमारे इंस्टाग्राम पर भेजा गया था। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। रिजांगला वीर अहीर चौक टपुकड़ा के बोर्ड को देखते हुए तिजारा विधानसभा क्षेत्र के गांव रामबास झोपड़ी में लगा रिजांगला वीर अहीर बोर्ड। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। एक और रिजांगला वीर अहीर चौक बोर्ड लगा, ये ढाकी गांव में लगा है। हर जगह हर चौक चौराहों पर अपने पूर्वजों और वीर यदवंशी योद्धाओं, महाराजाओं, सूरवीरों के नाम पर रखे। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। 26 जनवरी 2023 को गांव ततारपुर धोला भिवाड़ी में अहीर रेजिमेंट बोर्ड का उद्घाटन होगा। कृपया ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग ले, यूं ही बढ़ते रहो वीर अहीरो। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 26 जनवरी 2023 को राजस्थान के जिला भिवाड़ी के ततारपुर धोला गांव में अहीर रेजिमेंट का बोर्ड का अनावरण किया जा रहा है। मेरे अहिरवाड़ के साथियों से, राजस्थान के साथियों से, हरियाणा के साथियों से विनती है, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, अपना एकता का परिचय दें। हम भी सभी साथी पहुंच रहे हैं वहाँ पे। और मैं सरकार को खुले शब्दों में बता देना चाहता हूँ, जो हम जिस गांव में अहीर रेजिमेंट का बोर्ड लगा रहे हैं, यह आपके लिए चेतावनी है। या तो आप 2024 से पहले अहीर रेजिमेंट का गठन कर दीजिए, नहीं तो आप, जब हमने अहीर समाज ने एक नारा दिया था, वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा, जब आप हमारे गांव में आएंगे वोट के लिए,
जिस जगह ये बोर्ड लगा वहीं से आपका बहिष्कार किया जाएगा। किसी भी गांव में हम किसी भी नेताओं को घुसने नहीं दिए देंगे। तब आपको पता चलेगा यादव समाज कितना एक है और यादव समाज ने देश के ऊपर कितनी कुर्बानियां दी हैं, आजादी से स्टार्टिंग से कभी की भी बात रही हो। जय यादव, जय माधव, बोल कृष्ण भगवान की जय।